गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्टड। मार्केट में सबसे ज्यादा ये स्टड यूज होते हैं, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी दो नंबर की जो डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको बता दूं। स्टड, स्टड इज ए विदाउट एनी हेड। तो सबसे पहली बात, जो स्टड होता है यानी कि ये बोल्ट जैसा होगा बट इसके अंदर हेड नहीं होगा, ये चीज समझ में आ गई, ऊपर का सिर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इट इज ए सिमिलर टू ए बोल्ट, और ये बोल्ट जैसा दिखता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये बोल्ट जैसा है बट हेड नहीं है और ये बोल्ट जैसा दिखता है। इट बोथ एंड्स आर थ्रेडेड, इसका ऊपर पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों पे थ्रेड्स होती हैं। ए सिमिलर, ए स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट, एक छोटा पोर्शन, जो एक पोर्शन होता है वो छोटा होता है विदाउट थ्रेड एट द सेंटर, और जो इसका एक छोटा पोर्शन होता है एंड में नीचे की तरफ होता उसमें थ्रेड्स नहीं होती एक जगह पर। अब हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टड्स। सबसे पहले स्टड थ्रेड्स, सॉरी स्टड थ्रेड प्लेन नेक, तो सबसे पहले ये आता स्टड थ्रेड, सॉरी स्टड विद प्लेन नेक, ये है आपका सबसे पहले नंबर पे, एक्सप्लेन अभी करूंगा। स्टड विद स्क्वायर नेक दूसरे नंबर पे आता है, ये वाला यानी कि यहां पर स्टड है बट स्क्वायर नेक का है, बीच में इसको नेक बोलते हैं। स्टड विद कॉलर यानी कि एक तीसरे नंबर पे जो आता है, स्टड है बट कॉलर वाला है, कॉलर लगा हुआ है। अब हम यहां पर बात करते हैं इनकी डायमेंशन की, ये तो थ्योरी थी, अभी फाउंडेशन वाला ही चैप्टर चल रहा है, ये जो पहले से चलता आ रहा अभी यही चल रहा है चौथा चैप्टर, इसके बाद एक टॉपिक हो रहा फिर चैप्टर खत्म होगा। ये तीनों प्लस सेट स्क्रू जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो एक शीट पर आएंगे, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर हम बात करें इसकी, इसका 3D कैसे होते हैं, तो यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है स्टड विद प्लेन नेक, ये आपके सामने डायग्राम है 3D, ये कुछ ऐसे होते हैं 3D में, आप देख रहे हैं इनके ऊपर हेड नहीं है और पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अब चलते हैं हम 2D के ऊपर, तो यहां पर इसकी बात करें तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक गोल पाइप है, पूरा का पूरा एक गोल पाइप है लाइक दिस, ऐसा है, ऊपर थ्रेड है बीच में थ्रेड नहीं है यहां पर इस पोर्शन पे, इसको बोलते हैं नेक, यहां पर थ्रेड नहीं है इस पोर्शन पे, बाकी यहां थ्रेड है, यहां पर थ्रेड है। कहां पर यूज होता है, अब इसकी बात कर दूं, आपके घर में डिश टीवी लगती है, डिश टीवी के जब हम डिश टीवी लगाते हैं तो एक फास्टनर लगाते हैं, साथ साथ कहीं पर तो बोल्ट यूज हो जाते हैं, ज्यादातर हम फास्टनर का यूज करते हैं। चलो छोड़िए, दूसरा टॉपिक बता देता हूं, आपके घरों में जो सीमेंट की, एक सीमेंट की अलमीरा बना देते हैं, फिर उसके ऊपर या तो लकड़ी का कवर चढ़वा देते हैं या लोहे का कवर चढ़वाकर अलमीरा बनवा देते हैं, कपड़े वपड़े टांगने वाली अलमीरा, तो उसके जो फास्टनर होते हैं जो कि आपका पहले से ही दीवार के अंदर हम लगवा देते हैं, तो वो यही तो होते हैं, बाद में हम क्या करते हैं बस ऊपर से वॉशर और हेक्सागोनल नट लगा के टाइट कर देते हैं, तो ये होते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, सबसे ऊपर का जो होगा थ्रेड ज्यादा होंगी, नीचे में थ्रेड कम होंगी, ये चीज समझ में आ गई, और बीच में प्लेन नेक रहेगा, ये गोल है बस, इसके में क्या है चारों, ये भी गोल ये भी गोल, बस नीचे का पोर्शन जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर में क्यों आ जाएगा, इसको तो हम पाइप रिंच की मदद से खोलेंगे, इसको हम हेक्सागोनल की जो आती है आपने देखी होगी ऐसी करके, ऐसे करके हेक्सागोनल की देखिए, इसको हम इसकी मदद से टाइट करेंगे या ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये है, अब इसके डायमेंशन की बात करें, जो ऊपर का जितना ऊपर के पोर्शन में थ्रेड होगी 2.5D रहेगा, या बड़ा कर सकते हैं 5D तक, अब D आप क्या लेंगे, यहां पर D लेंगे 30mm, ठीक है, तो 2.5D रख सकते हैं या 5D तक हम ले जा सकते हैं, 4D ले सकते हैं, 4.5D ले सकते हैं, 3 मतलब 2.5 से स्टार्ट होगा और 5D तक कोई भी ले सकते हैं। नीचे का पोर्शन और नेक, ये वाला पोर्शन और नेक दोनों D रहेगा, और इसकी ये कितना रहेगा, D रहेगा, यानी कि अगर 30 है 30 30, चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं स्टड विद स्क्वायर नेक के बारे में, ये 30 30 30 ऊपर का पोर्शन अपनी मर्जी से 2.5D से लेके 5D तक कुछ भी रख सकते हैं, बस बीच के पोर्शन में ये ऐसे करके क्रॉस दिखाना कंपलसरी है, क्योंकि ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं स्टड विद कॉलर के अंदर, यहां पर क्या नॉर्मल है, सिर्फ इनमें वॉशर लगाना कंपलसरी होता है, इसमें वॉशर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वॉशर लगा होता है, ये यहां पर वॉशर का काम कर रहा है। तो क्या है डिस्टेंस, 1.5D, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 1.5D। अब ये डिस्टेंस कितना है, इसका क्या कर सकते हैं आप, इसका 5mm ले सकते हैं, 3mm ले सकते हैं, ठीक है, 5 और 3mm ले सकते हैं। ऊपर का डिस्टेंस यही रहेगा 2.5D से लेके समथिंग, नीचे का डिस्टेंस D रहेगा और ये D रहेगा।
आई होप आपको स्टड समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा टॉपिक है ये। इसके बाद स्टार्ट होगा सेट स्क्रू। सेट स्क्रू क्या होते हैं? वो इससे पहले हमने पढ़ा था मशीन स्क्रू, जो कि हमारे प्लास की मदद से, सॉरी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन होते हैं। अगला जो होगा सेट स्क्रू जो होगा वो एलन की मदद से खुलते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं लेथ मशीन के टूल पोस्ट में। मैकेनिकल वाले थर्ड सेम में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको स्टार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सिंपल है बनाने का तरीका भी, कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं है या कोई ड्राफ्टर की जरूरत नहीं है, इतनी सिंपल स्किल से हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।